हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो कि है चिवड़ा मटर की, यानी कि पोहा मटर। इसके लिए देखिए, पोहा ले लिया है, इसको मैंने धो लिया था और पानी इसका अलग कर लिया है। इसके साथ ही हरा धनिया, मिर्ची और ये लिए हैं मैंने फ्रेश मटर। मटर फ्रेश आ रहे हैं अब बहुत अच्छे, तो आप इन्हीं से बनाइएगा, फ्रोज़न से नहीं। और इसके साथ ही मूंगफली दाना मैंने ले लिया है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ले लेनी है, इसमें मैं डालूंगी बहुत थोड़ा सा ऑयल, हमें मूंगफली फ्राई करनी है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें इसमें डाल देनी है मूंगफली। आप काजू बादाम जो चाहें वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम पर ही जैसे मूंगफली फ्राई करके डाल रही हूँ, वैसे ही काजू बादाम भी इसमें डाल सकते हैं। मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इन्हें मैं निकाल लूँगी एक कटोरी में। और थोड़ा सा मैंने ऑयल इस कढ़ाई में और डाल दिया है। तो देखिए, ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं हरे मटर। इसको मैंने ढक्कन से ज़रा देर के लिए कवर कर दिया था। इसके साथ ही देखिए, फिर इसमें जाएगी ये राई, आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर हमें इसे चलाते रहना है, बहुत फटाफट से ये मटर भुन जाती है, क्योंकि अभी मटर बहुत अच्छी आ रही है, एकदम मीठी मीठी सी। तो एक दो मिनट में ये भुन जाएगी। इसके साथ देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है नमक, इससे और भी जल्दी भुन जाएगी ये मटर। और वापस से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएंगी ये हरी मिर्ची। और अब जाएगा ये जो पोहा है, इसे मैंने पहले ही धो के रख लिया था, ताकि इसका जो पानी है ना वो एकदम सूख जाए, थोड़ा खिला खिला ही ये बनता है। तो इसे डाल देंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते हैं, थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्ची का पाउडर, बस यही चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें हल्दी डाल सकते हैं कलर के लिए, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया इसमें हल्दी, मुझे इसका कलर ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ही मैंने इसमें डाल दिए ये सब चीज़ें। और वापस से फिर इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। नमक इस टाइम पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कम है तो डाल सकते हैं। बाकी मैंने मटर को जब भूना था उसमें डाल ही दिया था। तो बस 3-4 मिनट में ये बनकर तैयार है। हरा धनिया डालकर मैं कर दूंगी इसे गार्निश। और वापस से एक बार मिक्स कर लेंगे, साथ में जो मूंगफली हमने भून कर रखी थी उन्हें भी ऊपर से डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं अब इसे सर्व करने की प्रोसेस में। तो इधर देखिए, हमारा सुपर टेस्टी ये बनारसी स्टाइल चिवड़ा मटर बनकर तैयार है। थोड़ी सी मैं इस पर डाल दूंगी ये बारीक वाली सेब, इससे ये देखने में खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो, और अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।